सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया के हर परेशानी इंसान की हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है, इसलिए हिम्मत बनाए रखिए और लक्ष्य की तरफ खुद को लगाए रखिए। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान को कुदरत वक्त बराबर देती है। अब यह बात आप पर निर्भर करता है कि अगर चाहो तो इस वक्त को सोना बना दो या फिर सोने में जिंदगी गुजार दो। एक सुखी जीवन के लिए हृदय में सच्चाई और होठों पर प्रसन्नता बहुत जरूरी है। आज का पंचांग 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि 6:29 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र 6:40 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:16 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर 1:25 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार, यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती है। काम या घर में आपके प्रबंधकीय कौशल किसी भी जटिलता से बचने में उपयोगी सिद्ध होंगे। नेतृत्व करने और कड़ी मेहनत करने की आपकी क्षमता दूसरों द्वारा नोटिस की गई है और जल्द ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छा आपके सितारे आपको अनंत संभावनाएं प्रदान करेंगे। अधिक संदेशशील होने की वजह से आप निराश हो सकते हैं। गलतफहमी दूर करनी है तो अपने मनोभाव व्यक्त करें। जीवन आपको जो सुनहरे मौके दे रहा है उन्हें दोनों हाथों से बटोरें। जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल बनी रहेगी तथा परिवार में कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य को तथा परिवार में कुछ समय से चल रही अव्यवस्था को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बनाएंगे और उनमें कामयाब भी रहेंगी। थकान और व्यवस्था भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। पिछले समय में मिले हुए अपयश से संबंधित भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता होगी। बार बार नकारात्मक विचार आपके अंदर आने की वजह से क्षमता होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। धातु के व्यापार से संबंधित लोगों को कमिटमेंट देते वक्त क्लाइंट की अपेक्षाओं को भी जानना जरूरी होगा। पार्टनर और आपके बीच में बढ़ रहे विवाद का फायदा कोई और उठा सकता है। सावधानियां। संतान को लेकर किसी प्रकार की टेंशन रह सकती है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह से समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन केवल आपका है, दिल खोलकर इसे जिए। आप दोनों की कोशिशों में आपका बोरिंग जीवन एक्साइटमेंट की खुशबू से सराबोर हो सकता है। आप अपने साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, इसीलिए आपके बीच का अटूट बांड किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। आपके जीवन का यह नया चरण उत्तेजना और चाहत का संकेत दे रहा है। जीवन में मिलने वाले सुनहरे मौकों को हासिल कर लें इससे पहले कि यह मौके आपके हाथ से छूट जाएं। बस काम वासना और आवेग की अधिकता से बचें। अपने साथी से मिलने से पहले उसके लिए लव का प्रतीक लाल गुलाब ले जाना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको उनके और भी करीब ले आएगी। अच्छा भाग्य आपके इंतजार में है, बस खुद पर विश्वास करें और लक्ष्य पर नजर रखें।
धन के लेन देन में देरी नुकसान का कारण बन सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करें। आज आपके दरवाजे पर कई मौके दस्तक दे रहे हैं और आपको वित्तीय समृद्धि मिलने की भी संभावना है। अगर आप व्यापारी हैं तो रिश्तों के अनुसार आज आपको लाभ होगा। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। याद रखें, पैसों की कमी सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन अधिक धन होना अच्छाई का प्रमाण पत्र नहीं है। बात करती है सेहत की। आपने जो बहुमूल्य पत्थर पहना है उसे ज्योतिष के पास जाकर चेक करा लें। आप कफ और कोल्ड जैसे बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतें। आज आपको सुरक्षित खाना और बचाव के सुरक्षित तरीके इस्तेमाल करने भी पड़ सकते हैं, इसीलिए आप अपने परिवार वालों को किसी बीमारी या संक्रमण से दूर रखें। आज का उपाय, आज आप गरीब बुजुर्गों की सहायता करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।